भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह सिविल अस्पताल में दाखिल मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। इस दौरान विधायक ने वैक्सीनेशन करवाने आए सभी लोगों को फल वितरित किए और दाखिल मरीजों का कुशलक्षेम भी जाना। विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना को हराने के लिए प्रयासरत है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का दायित्व बनता है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाए। वैक्सीन से घबराना नहीं है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह वैक्सीन आपके कोरोना महामारी से सुरक्षा करेगी। बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में भी जहाँ आया हूँ। और दूसरा ये है, पूरी भारत सरकार का सबसे विनम्र निवेदन चुने हुए प्रतिनिधि हैं कि आप लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करो कि हम सब ये जो कोरोना महामारी चली है इसके लिए वैक्सीनेशन में हॉस्पिटल जाएं, जगह जगह जाकर अपने परिवार को अपने आप को टीके लगवाएं, सुरक्षित रखें। इस दृष्टि से मैं आपके चैनल के माध्यम से ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के समस्त भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि इस इंजेक्शन से डरना नहीं है और सबने अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इसमें हमारे चिकित्सक विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी डॉक्टर्स वगैरह हैं उनका भी पैरामेडिकल स्टाफ का भी आपने सहयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन लगे ऐसी हम आशा करते हैं। इसी विषय के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने भी जिला वार और हॉस्पिटल वार पूरी सूची ली है। तो मेरा भी एक ही संदेश है कि हम सब लोग निर्भय होकर इस कार्य को सफल करें। ये पुण्य का कार्य है, हम सब सुरक्षित रहने चाहिए। भारत माता तभी सुरक्षित है जब हम लोग। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।